हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। स्वागत है आपके चैनल पर ECLE के। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं आपके बीच में आया हूँ वोकैब और क्वेश्चन वर्ड। जो मैंने आपको 6 सेंटेंस आपको जो बताता हूँ, लास्ट के जो क्वेश्चन वर्ड रहते हैं वो वाले, जिनको हम WH वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? WH वर्ड। उसके साथ ही आज हम टू हैव फ्यूचर पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीक में हमने टू हैव प्रेजेंट एंड टू हैव पास्ट हम पढ़ चुके थे। आज हम टू हैव फ्यूचर पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास के स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप नए हैं तो मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल नए हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप इंट्रोडक्शन क्लास से देख सकते हैं। जब आप इंट्रोडक्शन क्लास देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आप सेंटेंस बनाने लगोगे और आप को पता चलेगा कि इंग्लिश हमें सीखनी कैसी है। मैंने पूरी प्लानिंग बताई है 6 मंथ की। 6 मंथ आपको क्या क्या करना है, ग्रुप बनाना है, नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन क्लास में है। आप इंट्रोडक्शन क्लास से देखेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सेंटेंस बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, फोटो खींचोगे, रिकॉर्डिंग भेजोगे, एवरीथिंग यू विल डू ऑन द ECLE टेलीग्राम चैनल। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आपको मीनिंग बताएंगे और उसके बाद हम WH क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आज की जो मीनिंग, मैंने 5 मीनिंग ली है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, आपकी सुनिश्चित मीनिंग है। जैसे क्राउड मीन्स होता है, क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। पोर्ट मीन्स बंदरगाह। शार्प मीन्स तेज। गुड्स मीन्स सामान। और कंट्री मीन्स देश। ओके, तो जो मैंने गुड्स लिखा है, ये क्या है, ये गुड लिखा है, तो इसका मतलब होता है अच्छा, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और ये गुड्स मीन्स होता है सामान, तो इसमें एक एस का अंतर है। अगर आपने एस का ध्यान नहीं दिया तो अर्थ का अनर्थ होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, गुड्स मीन्स होता है सामान और गुड मीन्स होता है अच्छा। ओके, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन वर्ड लास्ट में बता, मैं हर बार बताता था कि मैं क्वेश्चन वर्ड की सीरीज लाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कैसे एडजस्ट करूं, तो मैंने सोचा कि भले ही थोड़ा सा टाइम वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मुझे डिस्कस जरूर करना है। तो मेरा अनुरोध है कि कृपया आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत कुछ नया सीखोगे इस वीडियो में। ओके, सो हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कब तक। ओके, हाउ की सीरीज है, यूज ऑफ हाउ है, मैंने सबसे नीचे लगा है। और हाउ लॉन्ग टाइम मीन्स होता है कितना लंबा समय। हाउ ओल्ड मीन्स होता है कितना पुराना। और हाउ मेनी मीन्स होता है कितना। और हाउ मच मीन्स भी होता है कितना। लेकिन अंतर क्या है, मैंने एक क्लास में ही बताया था बीच में कि हाउ मेनी मीन्स काउंटेबल, इनको हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ओके, और हाउ मच ये होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हाउ मच, जिन्हें अनगिनत बोल सकते हैं, अनगिनत, जिनको हम गिना नहीं जा सकता है, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, हाउ मच का यूज करेंगे। हाउ फार मीन्स होता है कितना। हाउ फार मीन्स क्या होता है, कितना दूर। कितना दूर मीन्स दूरी, डिस्टेंस, जैसा सागर टू मुंबई या सागर टू भोपाल, तो ये दूरी है। और हाउ मीन्स होता है कैसा, कैसी, कैसा, कैसी और कैसे। ओके, तो यह क्या है, यह क्वेश्चन वर्ड। एक मैं एग्जांपल तौर पर बता दूं, जैसे मैंने लिखा तुम घर पर कब तक हो, तो हाउ लॉन्ग आर यू एट होम। जैसे मैंने बोला कितना लंबा समय, तो तुम मतलब वह कितने लंबे समय से, या वह उसने कितना लंबा घर पर समय बिताया, ये अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग टाइम डिड ही स्पेंड टाइम, अभी हम उस पर आए नहीं है इसलिए मैं बताने। हाउ ओल्ड मीन्स होता है कितना पुराना। तुम्हारा मोबाइल कितना पुराना, ये शर्ट कितनी पुरानी है, क्या बोलेंगे, हाउ ओल्ड इज योर शर्ट।
ओके हाउ मैनी मीन्स कितना, काउंटेबल है, जैसे एक पेन है तो गिन सकते हैं, चार छह पेन रखे हुए हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टार्स की बात करें, तारों की बात करें, तो क्या हम गिन सकते हैं? नथिंग, वी कांट कैलकुलेट। ओके और हाउ मच, हाउ मीन्स मतलब कितना, कर तो सकते हैं लेकिन अनगिनत में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ फॉर मीन्स कितना दूर कितना, और हाउ हाउ मीन्स होता है कैसा कैसे कैसे। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर दिया है, तो आगे बढ़ने से पहले आप इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी पर लिख सकें अपनी वोकैबुलरी और WH वाले क्वेश्चन। आई होप आपने इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद हमें मिटाना पड़ेगा किसकी कमी के कारण, जगह की कमी के कारण। तो मैं इसको रब करता हूँ, जिसने अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिए और वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। ओके सो हम इसको मिटाते हैं, फिर हम टू हैव फ्यूचर के हम आज सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि आज हमें बहुत सारा कवर करना है। क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है तो आपको मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस भी कराऊँ और आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी दूँ, क्योंकि ना तो कुछ लोग सोच रहे हैं यार इतना लंबा टाइम, किसी कुछ लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है। तो पेशेंस आप रखना सीखें, धैर्य बनाए रखें और आप अच्छे से सीखेंगे। ओके तो टू हैव फ्यूचर, टू हैव फ्यूचर भविष्य काल, भविष्य की बात करेंगे। ओके अनुमान लगाने, जैसे मेरे पास समय होगा तो पहले तो मैं पहचान लिख दूँ। पहचान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन करना है तो हमें उसकी पहचान देखनी पड़ेगी। तो सेंटेंस के लास्ट में ज़्यादातर सामान्य तौर पर होगा, होगी, होंगी, होगे, होगा, होगी या होंगे, पास होगा, पास होगी, पास होंगे। ओके यहाँ लिख लेना। ओके आया, और कुछ हिडन रहती है जिसका साइंस रहता है, जैसे मेरी शर्ट होगी, जो शर्ट मेरे पास है, मैं शर्ट को पहने, जो मेरा हाथ है तो हाथ तुम्हारे पास है, वो कुछ अनफिजिकल चीज़ रहती है। जैसे मेरा दिमाग है तो दिमाग अनफिजिकल है, तो दिमाग अंदर, मेरा दिमाग है, उसके पास ज्ञान है, उसका ज्ञान है तो पास है। तुम्हारी बहन है, मेरी माँ है, तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हें बुखार है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा टू बी फ्यूचर, सॉरी टू है प्रेजेंट में आएगा, मतलब इसका होगा कर देंगे तो फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। मेरी शर्ट होगी, तुम्हारा भाई होगा, उसकी डॉटर होगी, पुष्पेंद्र का भाई होगा, गाय भैंस की पूंछ होगी, ऐसे हम बना सकते हैं। तुम्हारी किताब होगी, इट इज़ वेरी ईजी। तो सबसे पहले लिखता हूँ उसका भाई होगा, उसका भाई होगा, ओके भैंस की पूंछ होगी, भैंस की पूंछ होगी, भैंस की पूंछ होती है ना। पेन नहीं चल रहा है यार, एक मिनट मैं इसको रब कर दूं, अच्छा पेन यूज़ करूं, पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। ओके सॉरी, आई एम टेकिंग टाइम फॉर यू। ऐसे भैंस, उसका भाई होगा, क्या बनाएंगे? उसका भाई होगा, उसका भाई होगा, भैंस की पूंछ होगी, भैंस की पूंछ होगी। ओके और मेरे पास समय होगा, मेरे पास समय होगा, उसे कोरोना होगा। ओके थोड़ी राइटिंग समझ लेना, बोर्ड पर हो सकता है क्लियर ना हो। ओके तो इसका नियम है कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम शैल वी का भी, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। किसका? शैल हैव का, शैल हैव का यूज़ करेंगे। आए समझे? तो हम इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, एक पेन की और जरूरत पड़ेगी या ओके। स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, स्ट्रक्चर इट इज़ स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी। क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस नाउन, इसको तिरछा वाला डंडा कर दो। ओके फिर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। ओके फिर बनेगा विल ऑब्लिक शैल, भैया बोर नहीं होना क्लास है, थोड़ी सी थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना, ठीक है। विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस नाउन, नाउन का इंसान लिख रहा हूँ मैं। ओके फिर आएगा विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव
प्लस नाउन, फिर आएगा क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। ओके ऐसे ही लास्ट वाला बना देंगे क्वेश्चन वर्ड में। आई होप आप सेंटेंस बना लोगे। ओके लेकिन मैं फिर भी आपको बनाऊंगा। ओके सो ये 2 4 6 ओके स्ट्रक्चर होगा, थोड़ी सी राइटिंग की थोड़ी दिक्कत है, तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस है प्लस नाउन, ऐसे ही छः बना लेंगे। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, उसका भाई होगा, उसका भाई होगा, किसका होगा, उसका, उसका भी हो सकता है उसका भाई होगा, उसका भाई होगा, बहुत ध्यान से देखना है। हाँ एक बात और, बाकी के साथ विल हैव लगाएंगे, मैं भूल गया था, बाकी के साथ विल हैव, उसका भाई होगा तो क्या होगा, ही शी भी हो सकता है, ही विल हैव ब्रदर, उसका भाई नहीं होगा, उसका भाई नहीं होगा, He will not have brother. Okay? क्या उसका भाई होगा, कैसे बनाएंगे, बहुत आसान से, will he have brother? आज पेन दिक्कत कर रहे हैं। क्या उसका भाई नहीं होगा, क्या उसका भाई नहीं होगा, उसका भाई नहीं होगा, आप बना लोगे मुझे पता है, बट मैं लिखवाना मेरा फर्ज है, विल ही नॉट हैव ब्रदर। ओके उसका भाई कहाँ, उसका भाई कैसा होगा, उसका भाई कैसा होगा, पढ़ाया ना, हाउ हाउ विल ही हैव ब्रदर। ओके उसका भाई कैसा नहीं होगा, उसका भाई, उसका भाई कैसा नहीं होगा, क्या क्या आएगा भाई, हाउ विल ही नॉट हैव ब्रदर। ओके सो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस बनाने कैसे हैं, और हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मुझे लगता है कि सेंटेंस तो आप बना लोगे लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार दोहरा दूँ, उसका भाई होगा क्या बना, ही विल हैव ब्रदर, उसका भाई नहीं होगा, ही विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच नॉट लगाया है, ठीक है। क्या उसका भाई होगा, मैं शायद लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, तो क्या आएगा, विल ही हैव ब्रदर, एक गलती हो गई मुझे से, मैंने शेयर भी लगा दिया, दोनों लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो क्या आएगा, विल ही हैव ब्रदर, क्या उसका भाई नहीं होगा, विल ही नॉट हैव ब्रदर, उसका भाई कैसा होगा, हाउ विल ही हैव ब्रदर, क्या उसका भाई नहीं होगा, हाउ विल ही नॉट हैव ब्रदर। ओके ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर घूम रहा था, तो मैंने विल के संगे शैल भी लगा दिया सॉरी। ओके और मैंने यहाँ लिखना भूल गया, तो आप लिख लेना ध्यान से, आपको 6 ही बनानी है ध्यान से, हिंदी और अंग्रेजी में 6। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं फनी सेंटेंस के साथ, भैंस की पूंछ होगी, भैंस की पूंछ कुछ कुछ वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पर, भैंस की पूंछ, या एक हाँ मूवी है चक दे इंडिया, तो उसमें लड़की याद है हरियाणवी से कहीं मतलब थी, तो वो बोलती है भैंस की पूंछ तो भैंस की पूंछ होगी, तो बफेलो विल हैव टेल, भैंस की पूंछ नहीं होगा, बफेलो विल नॉट हैव टेल, क्या भैंस की पूंछ होगी, विल बफेलो हैव टेल, भैंस की, क्या भैंस की पूंछ नहीं होगा, विल बफेलो नॉट हैव टेल, भैंस की पूंछ कैसी होगी, हाउ विल बफेलो हैव टेल, भैंस की पूंछ कैसी नहीं होगी, हाउ विल बफेलो नॉट हैव टेल, बना सकते हैं। सेंटेंस लेते हैं, उसका भाई होगा क्या बनाएंगे, ही विल हैव ब्रदर, उसका भाई नहीं होगा, ही विल नॉट हैव ब्रदर, क्या उसका भाई होगा, विल ही हैव ब्रदर, क्या उसका भाई नहीं होगा, विल ही नॉट हैव ब्रदर, उसका भाई कैसा होगा, हाउ विल ही हैव ब्रदर, उसका भाई कैसा नहीं होगा, हाउ विल ही नॉट हैव ब्रदर, सॉरी फास्ट भूल गया, तो मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास सॉरी आई शैल हैव टाइम,
मेरे पास समय होगा आई शैल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा आई शैल नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय होगा शैल आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं होगा शैल आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय कब होगा व्हेन शैल आई हैव टाइम, मेरे पास समय कब नहीं होगा व्हेन शैल आई नॉट हैव टाइम। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, मैंने थोड़ी फास्ट फास्ट बोल दिया आज, और आप बिल्कुल आसानी से आराम से करना। आप मैंने थोड़ा सा फास्ट बोल दिया, आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, और आप अगर चैनल पर नए हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और ये टेलीग्राम चैनल है ECLE एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकें। ये स्पोकन की प्रैक्टिस है, और आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको स्पोकन नहीं आएगी। आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन आपके दिमाग से करना है, आपको कॉपी पर ट्रांसलेशन करना है, लेकिन आपके दिमाग से ज़्यादा करना है, यहाँ बैठना चाहिए दिमाग में। अगर आप दिमाग से कर लोगे दिमाग से तो आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, मैंने चैनल का नाम इसी रखा है कि हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है, मुझे पता है कैसे सीख सकता है, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, ट्रांसलेशन करने की। आपको आने वाले समय आपको बहुत कुछ आपको कंटेंट मिलने वाला है, और आप अंग्रेजी बिल्कुल सीखेंगे, मेरी गारंटी है। आप बस लगे रहो, आप 100% आप मेहनत करते रहो, आप 100% दो, आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो आपको ये क्लास कैसे लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वी शैल मीट टमोरो, हम कल मिलेंगे, तब तक आपका ख्याल रखिए, खूब ज़्यादा ख्याल रखिए, बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।